सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकुज व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालवन। एक्चुअल मैं आचरा। सो कल रात को ऑलमोस्ट 11 बजे थे हम लोग पहुंच गए, बहुत लेट हो गया। बट अभी घूमने फिरने का थोड़ा प्लान बन गया है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं टूवर्ड्स मालवन। सो अभी पहले खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे मालवन को। सो अभी तो प्लान है बागवे लंच रूम में जाके खाना खाने का, उसके बाद थोड़ा आपको टूर दिखाएंगे मालवन का। ये शायद से तीसरा व्लॉग हो रहा है मेरा मालवन का, लेकिन इस टाइम भी कुछ आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड और चलो चलते हैं। आज का फर्स्ट लोकेशन है क्या नाम है ऐसे विसर तो मैं क्या नाम है सरजय कोट मैं भूल जाता हूँ हमेशा, लेकिन अभी फर्स्ट लोकेशन सरजय कोट पे आए हम लोग। एक्चुअल में बारिश में आके गए थे, लेकिन इतना रुकने के लिए नहीं मिला था, तो अभी मस्त फुर्सत में टाइम निकल गया है, तो अच्छे से आपको दिखाऊंगा कि सरजय कोट कैसा दिखता है बारिश में। और यहाँ पे ही हम लोग का प्री वेडिंग शूट हुआ था करीब 12-13 महीने पहले। सो लेट्स गो, आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है, और व्यू हमेशा की तरह ऑसम ही रहेगा। बारिश का मजा लेते हुए और इधर अंदर तो देखो पूरा केव बन गया है अंदर, पता नहीं कितने साल पुराना रहेगा ये। एक थिंग हम लोग ने नोटिस की है, पीछे पूरा पानी एकदम क्लियर है और आगे पूरा क्या बोलता था ना, गडूर गंदा हो गया है पूरा। और ये जो आपको घर जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में बड़े बड़ी शिप है, बोट्स है। ये ट्रॉलर अभी नहीं निकलते, बारिश पे पूरा बंद रहता है, लेकिन जब भी समर चालू होता है तो पूरा जो जितने भी आपको यहाँ पे बोट दिख रहे हैं वो सब समुंदर में निकल जाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो अभी फिलहाल तो बंद रहेंगे। तो फोर्थ लोकेशन है हमारा जय गणेश मंदिर मालवन। सो यहाँ का एक खास चीज़ ये है कि यहाँ की गणपति की मूर्ति पूरे की पूरी सोने की है। बचपन से मैं आप ये मंदिर आता ही रहता हूँ, तो आपको ये मंदिर की झलक मैंने आपको दिखाई, आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ ज़रूर आना मालवन आओगे तो। सो आप टूवर्ड्स आचरा से आ रहे हो तो आपको मालवन बाजार के पहले ही राइट आएगा, वो लेना है,
तो और वहाँ पे लोकल गाइड किसको भी पूछ सकते हैं कि मंदिर कहाँ पे, तो आपको प्रॉपर लोकेशन बता देगा। और सेकंड चीज़ मतलब आप यहाँ से रॉक गार्डन भी बहुत नज़दीक है, तो आप यहाँ से रॉक गार्डन जा सकते हो या फिर रॉक गार्डन से यहाँ पे आ सकते हो। सो बहुत ही पास में लोकेशन है, तो मस्ट विज़िट और आपको एक्शन में बहुत पसंद आएगा। ये पूरा पीछे का सराउंडिंग है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ का। सो अभी ये डेस्टिनेशन है द रॉक गार्डन। एक्चुअल में रॉक गार्डन में नहीं गए, रॉक गार्डन के पहले ही जस्ट एक ऐसा अच्छा व्यू है, वहाँ पे ही रुके हम लोग। तो अभी बारिश में इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना यहाँ का, नेक्स्ट लेवल। मैं आपको थोड़ा सिनेमेटिक में दिखा देता हूँ कि कैसा यहाँ का व्यू है। कार पार्क वहाँ की है, उसके बाद रॉक गार्डन वहाँ पे चालू होता है यहाँ से। और यहाँ से पूरा ये रॉक सब ऐसा फैला हुआ है, तो आप कहाँ पे भी आके चिल मार सकते हो, थोड़ा बैठ सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अंदर मत जाना क्योंकि वो रिस्की होता है बहुत। सो यहाँ पे थोड़ा बाहर बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो आप। वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स आसरा बीच। पता नहीं हम लोग का कितना डेस्टिनेशन है दिन का, लेकिन घूमते 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 अभी आसरा बीच लास्ट कवर करेंगे आज के दिन के लिए। सो लेट्स गो। सो ये फाइनली आसरा बीच, और फर्स्ट टाइम आप बारिश में देख रहे हैं मॉनसून वाला आसरा बीच। ओहो, ये व्यू तो देखो भाई। सो अभी जस्ट हम लोग बीच और मंदिरों के घर पे आए, तो अभी बस खाना खाऊंगा और ऐसे ही रुक के सो जाऊंगा। तो आज का दिन तो ऐसे भी खत्म होगा, रात तो हो गई है, अभी कुछ दिखाने के लिए और करने के लिए है भी नहीं। सो बस खाऊंगा और सो जाऊंगा, उसके बाद कल से एक अच्छा व्लॉग स्टार्ट होने वाला, अच्छा दिन चालू होने वाला। सो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही बनी रहिए, पूरे सीरीज को ऐसे ही प्यार दीजिए, और अच्छी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, एक्सप्लोर करता रहूँगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स ये साल मैनेज किए मैंने, इवन प्लान्स बस एग्जीक्यूट हो जाए अच्छे से। सो आज का वीडियो इतने तक ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।